ये प्रेरणा जरूर हम सबको देता है कि एक महिला का जो रोल हमारी सोसाइटी में कितना अहम है। और मैं ये मानता हूं कि पिछले कई दशकों में दिन प्रतिदिन आमजन के जीवन के अंदर भी महिला के रोल की भूमिका को हम बढ़ चढ़ कर समझने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर अलग अलग योजनाएं चलाई गई जहां महिलाओं को एक शक्ति के तौर पर आगे बढ़ाया गया, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, चाहे वो ग्राम पंचायतों के अंदर हो, और हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर भी ये निर्णय लिया कि जहां महिला आंगनबाड़ी को इतना अच्छी तरीके से चला सकती है, संभाल सकती है, इस वर्ष के अंदर हम उन्हीं महिलाओं को, खास तौर पर जो शिक्षित जो गांव में आज कहीं ना कहीं गांव के बच्चों को एक नया सवेरा दे सकती है, वहां हम आंगनबाड़ियों के साथ साथ प्ले स्कूल की सुविधा बनाकर भी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला को वहां पर आने वाली पीढ़ी को और प्रेरणा देने के लिए हम ताकत देने का काम करेंगे। मैं तो इतना जरूर बता सकता हूं कि अलग अलग योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई, मगर पंचायत विभाग को मैंने भी ये आदेश दिए कि पिछले पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के टर्नओवर के अंदर आज मैं देख रहा था सम्मानित हुए तो स्पोर्ट्स पर्सन हुए, शिक्षित पर्सन हुए, आंगनबाड़ी वर्कर हुए, डॉक्टर हुए, एनसीसी कैडेट हुए, पुलिस कर्मचारी हुए। मैं एक चीज की कभी जरूर एडमिनिस्ट्रेशन मानेगा कि हमने जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायतों में भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाली हमारी मेंबर है, सरपंच है, ब्लॉक समिति मेंबर है, जिला परिषद मेंबर है, आज कहीं ना कहीं उनको पीछे छोड़ दिया। और उनको पीछे नहीं छोड़ा, आज मैं घोषणा करता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इन चारों विंग्स में जिन जिन 22 जिलों के अंदर महिलाओं ने अपने अपने, चाहे वार्ड के अंदर, चाहे गांव ग्राम पंचायत के अंदर, चाहे ब्लॉक समिति के वार्ड के अंदर, चाहे जिला परिषद के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिखाया, इस महीने के अंदर उन 100 माताओं को, बहनों को हमारा पंचायत विभाग एक एक स्कूटी लेकर सम्मानित करने का काम कर रहा है। और उस महिला के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम पर हम जहां उनको सम्मानित करेंगे, विभाग की ओर से उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाकर भी प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में भेजने का काम करेंगे, जिससे हमें सीखने को भी मिले और कहीं ना कहीं उनके कार्य। मुझे याद है पिछले दिनों इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बैठक हुई और उस बैठक के अंदर रेवाड़ी की जो महिला रिप्रेजेंटेटिव थी वो आई हुई थी और उसके साथ उनके पति आए हुए थे। और जब बात हुई सुझाव देने की तो पति खड़ा होकर सुझाव देने लगा, तो मुख्यमंत्री जी और मैंने 10 सेकंड तक तो बात सुनी और पूछा आप सरपंच हो, कहते नहीं जी मैं सरपंच प्रतिनिधि। मैंने ये देखा 5 साल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टेन्योर भी मेरे पास पहले था, 4 महीने के सरकार के टेन्योर में बारी बारी ये प्रतिनिधि ज्यादा आगे आकर कहीं ना कहीं उनको, महिलाओं को पीछे छोड़ने का काम करते। मगर अब आपको मोर्चा संभालना पड़ेगा, सरपंच आप बनोगे तो वो सरपंच प्रतिनिधि है एसपी, मेंबर आप बनोगे तो वो मेंबर प्रतिनिधि है एमपी, तो कहीं ना कहीं एसपी एमपी को पीछे छोड़कर फील्ड के अंदर जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं दिखेगी, आपकी महिला शक्ति ज्यादा नहीं दिखेगी, आपकी सोच नहीं दिखेगी, मेरा ये मानना है कि फिर सिस्टम को हम डेवलप होता भी उस तरीके से नहीं देखेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एक विवाद की अधीन की
महिला सरपंच है, जितना ज्ञान पंचायती राज विभाग के बारे में शायद उस महिला सरपंच को था, हमारे कई विभाग के आला अधिकारियों को भी नहीं मिला। तो हमें प्रेरणा लेनी थी, आज तो शिक्षा के अंदर हम देखते हैं, आज महिला कॉलेज के अंदर है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि महिला कॉलेज में एडमिशन का स्तर किसी भी ग्रेड के अंदर हो कभी घटा नहीं होगा। हमेशा ये डिमांड आती है प्रसार कीजिए, बढ़ाओ प्रसार कीजिए। आज माता पिता की भी सोच है कि बेटी को शिक्षित करो। हम जेबीटी कॉलेजेस देखते हैं, के ये अलग अलग एग्जाम जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है, अगर उसका भी रिकॉर्ड उठाकर देखें तो शायद पेपर देने की जो रेशो है वो 50-50 नहीं होगी, 55-45 होगी या 60-40 होगी, और हमेशा महिलाओं का ज्यादा है। तो इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि महिला शक्ति को हम कैसे और ताकत देने का काम करें, कैसे सामाजिक तौर पर, और जैसे ही पंचायतों में शिक्षा वाला क्लॉज लगा, रिजल्ट दिखा कि पढ़ी लिखी शिक्षित महिला चुनाव जीतकर अपना नेतृत्व करने लगी, और उसका नतीजा भी दिखा। जब हम पहले देखते थे कि छोटी छोटी करप्शन होया करती थी पंचायती राज विभाग के अंदर, जब महिला सरपंच को ये पता चला या महिला मेंबर को ये पता चला कि मेरे साइन होंगे तो कहीं ना कहीं वो पढ़ना लिखना जान चुकी। अब पंचायतों में हम देखते हैं कि फर्जीवाड़े कम हो चुके, सेक्रेटरी जी अगर कोई कागज पे साइन कराने आएगा तो महिला मेंबर या सरपंच या ब्लॉक समिति मेंबर जिला परिषद मेंबर पहले उस कागज को पढ़े, और उसके अंदर अगर कोई कमी तो फिर अपने पति को कहने का काम करे कि मैं साइन नहीं करूंगी, इसको दुरुस्त कराने का काम। और मुझे लगता है कि आज के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि आने वाले समय में मिलकर शिक्षित पंचायत बनाए, सशक्त पंचायत बनाए, और मिलकर जैसे भिवानी रोहिला ने संकल्प लिया था इस हाल के अंदर, वहां सरपंच समेत 15 की 15 शिक्षित मेंबर सर्वसम्मति से काम में जिताने का काम किया। उस तरह के आने वाले समय में हम पंचायतों को हरियाणा प्रदेश के अंदर, पंचायती राज सिस्टम को हरियाणा प्रदेश में देखने का काम करें। मैं तो दोबारा